तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब साला डे 17 पर एंट्री मार चुकी है और मैं हेटर्स से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी मूवी बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सैटरडे में इसने उछाल मार दी है। वर्किंग डेज में तो चलो इसने रे झेला ही झेला, लेकिन भाई सैटरडे पर अच्छी खासी कमाई आते नजर आ रही है। इट मीन्स ये कि भैया जनता अभी इसे पसंद कर रही है, और ये जब पसंद कर रही है तो अभी ये 7-8 दिन और चलेगी, क्योंकि भाई सामने कुछ भी नहीं है। कैप्टन मिलर जब आएगी तो हो सकता है कि इस मूवी की क्रेज जो है, ग्रोथ जो है, नीचे आ जाएगी, और डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि कैप्टन मिलर के लिए भाई साउथ में अलग ट्रेंड चल रहा है, जिसका ट्रेलर कल आ चुका है। मैंने रिव्यू भी दे दिया, नहीं देखा तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। भाई मूवी अच्छी खासी कमाई कर रही है। देन आज संडे है, संडे को उछाल देखने को मिल रहा है। देन कल से वर्किंग डेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो वर्किंग डेज में तो भाई सभी की हालत फिटती है। और इस बार डंकी और सालार के साथ जो हम देख रहे हैं, जैसा रवैया ये वर्किंग डेज इन दोनों ब्लॉकबस्टर मूवीज के साथ कर रहा है, जो भाई साहब पूरे साल वेट कराया है जनता को कि हम आएंगे और ऐसी फाड़ कमाई लेकर जाएंगे जो अभी तक सच होते नजर आ नहीं रही है। तो क्या करेंगे भाई, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कल डे 16 था, उसकी बात करते हैं। सैटरडे था जिसका काफ़ी लोगों को इंतजार था, खासकर फैंस को इंतजार था कि चलो ठीक है वर्किंग डेज में नहीं आई तो क्या हुआ, सैटरडे और संडे तो है हमारे पास, यहाँ पर हमें कमाई देखने को मिलेगी। और यस, देखने को मिली। कल ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 21% के आसपास थी। नेट इंडिया से 5,25,00,000 का कलेक्शन सरार के लिए आया है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 6.5 करोड़, ओवरसीज से 3 करोड़, एंड पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 9.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में एग्जिस्ट करते नजर आ रही है, जो देखा जाए तो भाई बहुत अच्छी कमाई है, क्योंकि अभी वर्किंग डेज में बहुत बुरी हाल थे इस मूवीज के, तो एक होप जनरेट होती है कि चलो ठीक है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे के लिए अब ये मूवी फिर से तैयार हो चुकी है, क्योंकि सैटरडे संडे एक बूस्टर दे के जाते हैं, एक सहूलियत दे के जाते हैं कि भाई अब आप वर्किंग डेज में थोड़ी सी मार झेलने के लायक हो चुके हो। तो पहले 16 दिन में यानी कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी नेट इंडिया से टोटल कमाई कर चुकी है 387 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 470 करोड़ का हो चुका है, और पूरी दुनिया से 690 करोड़ के क्रम में ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक एंट्री मार चुकी थी। तो आज डे 17 है भाई साहब, आज कैसी कमाई है? चलो ठीक है, कल सैटरडे था, अच्छी कमाई कर ली। आज डे 17 है, संडे है, क्योंकि कल मंडे वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई इवनिंग और नाइट में ऑक्यूपेंसी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को सोना भी है, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना भी है, यही चीज़ है भाई साहब। तो आज कैसी क्या हाल है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कितनी है? 23% के आसपास देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ भाई बूस्टर मिला है मूवी को। तो नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट कितना आ रहा है आज डे 17 में मूवी के लिए, यानी संडे पर भाई 5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट आते नजर आ रहा है एंड ऑफ द डे तक। ग्रॉस कलेक्शन 6.5 करोड़ के आसपास ये मूवी करते नजर आ रही है, और पूरी दुनिया से 10 करोड़ आज भी होल्ड करते ये मूवी नजर आ रही है। तो ऐसे में पहले 17 दिन में 700 करोड़ के क्रम में ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक एंट्री मार जाएगी। तो भाई साहब अब मुद्दे की बात यह आती है कि क्या 1,000 करोड़ जो ये प्रॉमिसेस चल रहे थे, 1,000 करोड़ ये जो ड्रीम चल रहा था, ब्लॉकबस्टर ड्रीम, क्या ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। मेरा मानना है 800 करोड़ में ये मूवी सरवाइव करके रह जाएगी, या इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई प्रभास का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और इस बंदे का कमबैक मैं बाहुबली 2 के बाद से सॉलिड चाह रहा था, क्योंकि एक्शन मूवी में भाई इस बंदे की अलग ही लेवल की छाप है। जो हमने बाहुबली 2 में देखा था, जो दमदार एक्शन वहाँ से किया था, और वही दमदार एक्शन हमें सालार में भी देखने को मिला है। एक्शन वॉयलेंस 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 यही देखने को मिला है भाई सालार मूवी में। नहीं देखिए तो जाके एक बार जरूर देखो, क्योंकि मूवी बहुत फाड़ है। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।